हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मेघालय सीरीज। पार्ट वन में हमने देखा गुवाहाटी टू चेरापुंजी का सफर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेवन सिस्टर्स, कैरन फॉल्स एंड मौसमी केव का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 6 o'clock। इससे तो बाहर का व्यू देखो। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इस साइड में एक आवाज आता है, सो ये है वो पानी का झरना। कितना सुंदर लग रहा है देखो। और यहाँ पे हम रुके थे। रात में बारिश की वजह से यहाँ पे मिट्टी गीली हो गई और गाड़ी नीचे गिर गई थी। गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम दे रही थी यहाँ पे। एक जगह पे आके फिर से हम रुक गए। वहाँ पे एडी फिर से पीछे से आए। इट इज नॉट वर्किंग। फिर यहाँ पे 10-15 मिनट खुद से थोड़ा ट्रबल शूट किया। फिर एक फ्रेंड परशुराम को कॉल किया। उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि ये क्लच का इश्यू है, मतलब उसको थोड़ा पुश करो और ट्राई करो, तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या है ना, अभी इशू हो गया था थोड़ा सा, भाई रुके थे हमारे लिए। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फिर हमने एडी को बाय बोल के यहाँ से निकले। ऑफ द प्लेस, ओ दिस इज सेवन सिस्टर। थोड़ा कंफ्यूजन था। सो अभी आए हम सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स पे। सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स ये नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही माउंटेन से 7 वाटरफॉल नीचे आते हैं, इसलिए इसको 7 सिस्टर वाटरफॉल बोलते हैं। मिस हो जाता भाई अगर नहीं। हाँ, हम निकले हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल से। काफ़ी धूप है यहाँ पे, धूप एकदम स्ट्रेट आती है बॉडी पे। हम जो उस वाटरफॉल को जा रहे हैं, ऑन द वे 7 सिस्टर फॉल्स का व्यू मिला। देखो तो सब जगह पे क्लीन वाटर है। अभी तो रात में बहुत बारिश हुआ था, इसीलिए काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे। सेवन सिस्टर वाटरफॉल से हम निकले कैरन वाटरफॉल्स के लिए। कैरन वाटरफॉल्स पे पहुँचने के बाद में मैंने जो टेम्पररी एडजस्टमेंट किया था, तो बाद में पता चला मेरे पास सब इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने फिर उसको टाइट करके फिक्स किया इशू को, सो दैट फिर से वो प्रॉब्लम ना आए। ये वाटरफॉल चेरापुंजी से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। काफ़ी सुंदर है और आप मस्त टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सो फिर यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ से रिटर्न आए। काफ़ी भूख लगा था, तो एक छोटा सा ये घर था, यहाँ पे रुक के हमने ब्रेकफास्ट के लिए पूछा, तो उन्होंने बोला कि चावल और चना है। गरम चना और गरम राइस। चलो मैंने पहले खाया नहीं, बस ट्राई कर लेते हैं। आंटी ने दिया है। क्या करता है? अभी इधर पढ़ाई के लिए गुवाहाटी में 6 महीने, उसके बाद में वापस। बाय, थैंक यू। फाइनली हम आ गए मौसमी केव के लिए। थैंक यू। कितना टाइम लगता है घूमने के लिए? अच्छा 10 मिनट, इसीलिए 10 रुपये।
आंटी ने जो है पान खिलाया। मोस्टली क्या होता है ना, वो पान में अगर मराठी में उसको कात बोलते हैं वो डालते हैं तो फेस लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है। बट आंटी ने जो पान खिलाया तो पता नहीं कैसे था, पूरा मुंह लाल हो गया है। ये खांसी का देवता गाता है इसको। सो 60 रुपीज़ टिकट है यहाँ पे दोनों का। थैंक यू। तो अभी हम आए हैं मौसमी केव के यहाँ पे। 100-200 स्टेयर्स है, वो चढ़ के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे केव्स के पास में आ जाते हैं। अंदर पूरा लाइमस्टोन है ऐसे बोला जाता है। सो लेट्स सी। सुंदर स्ट्रक्चर था अंदर का। ये ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है यहाँ पे, छोटे बच्चे और सब लोग आ सकते हैं। नमस्कार, तुमसे स्वागत है हम व्लॉग में। ये थ्रिल करते हुए यस ओ समझ ओए ये सक्सेसफुली मिशन पास। सो अभी जो है यहाँ पे केव्स में पूरा अंधेरा था, अपने भाई ने टॉर्च मार के पूरा उजाला कर दिया है। आगे जो है ट्रैफिक जाम है, इसलिए यहाँ पे मजे कर रहे हैं। ट्रैफिक तो देखो, ट्रैफिक देखो इतना अच्छे से फॉर्मिंग हुआ है। लग गया है, लग गया, लग गया। हाँ पकड़ ले इसको। हाँ पकड़ा पकड़ा। हाँ बैग है ना। निकल निकल निकल। चल, अरे किधर है रास्ता? इधर इधर घुस जाओ। हाँ घुस जा, तू आगे जा भाई। चल साइड में आ जा, जा। ए भाई लाइट ऑन करना भाई, कुछ नहीं दिख रहा है आगे। ओ भाई हाँ, ओ भाई साहब क्या है। आजा आजा, अनदेखा सीन है यहाँ पे। आजा बेटा, मैं लौटता हूँ घर में, ठीक है? जो भी पाप लगेगा तुझे लगेगा। अरे पाप की कोई टेंशन नहीं, पाप होगा तब ना हम है चले। प्रफुल्ल को थोड़ा डर लग रहा था यहाँ पे। जय श्री राम। राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। जहाँ भीड़ है वहाँ हम नहीं है, जहाँ हम है वहाँ भीड़ नहीं है। ऐसे टाइम पास करते करते हम डरने लगे, इसलिए कुछ भी बातें करते हुए अंदर चल रहे थे। अभी देखो भाई यहाँ पे, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। चलना है? नहीं। ऑब्वियसली नहीं बोलोगे तुम तो। राधे राधे। कोई है? कोई है, हम है ना। कोई है? हाँ आ जाओ, है। ये देखो शेषनाग की तरह देखा, ये फॉर्मेशन देखा नाग की तरह कैसे हुआ है। अबे क्या मैजिक है, देखना ये यहाँ पे जो है। प्रभु माफी, हटिया चढ़न में जाने पहले। अबे देख तो सुंदर, यहाँ पे पानी गिर रहा है और कितना सुंदर लग रहा है ये स्ट्रक्चर। प्रभु मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, किधर ब्लॉक करना। प्रभु मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मुझे इस खाई से बचा लेना। जय भोलेनाथ। बोलना कौन है? विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, जय हो। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु जय जय शेषनाग, जय शेषनाग। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। भाई साहब बस भाई, फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हम, इससे आगे तो कुछ है नहीं अभी। प्रभु बचा लिया तुमने। प्रभु जैसे मेरे को अच्छा ना, मम्मी जी के कारण चरण स्पर्श करूंगा। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ा टॉर्च होता तो आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो फुटेज देखने के लिए मिल जाता। पूरा अंधेरा है एकदम,
ऐसा थ्रिल यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जो है एक्चुअली लाइम क्रिएट हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद बाहर आपको किधर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरा लाइम जो है ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे हॉन्टेड जैसी जगह लग रही है। होप यू आर एंजॉइंग द कन्वर्सेशंस। सो भाई इधर खड़े और अपने पीछे जो है लाइम की सपोर्टिंग हैंड, इसलिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है चीज़ें करने में। पीछे जो है लाइमस्टोन दिख रहा है, भाई का हेलमेट गिर गया फाइनली, बहुत देर से लटक रहा था इधर उधर। और भाई कैसे लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ। क्यों भाई? पता नहीं 99% डर ऐसे है ना, सबको लगता है, बट यही पता नहीं होता है कि वो डर है किसका। समझ रहे हो ना? अभी एक जगह पे जाके आए हम जहाँ पे मोस्टली कोई लोग जाते नहीं है, और यहाँ पे एक एग्जिट नाम लिखा हुआ है जहाँ से सब लोग आगे चले जाते हैं। मैं दिखाता हूँ जगह। और भाई कैसे लगा अंदर का एक्सपीरियंस? बहुत मस्त। हाँ मस्त तो लगा, क्योंकि कोई नहीं था और हम अकेले थे दोनों, पूरा शांति। बात कर रहे थे तो मुँह से जो गर्म वाफ आती वो दिख रहा था कैमरे में, इतना ठंड था अंदर। सो वो एग्जिट वाला बटन दिखा दो। सो ये है वो जगह, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, इसकी नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच है। यहाँ पे सब लोग आते हैं और यहाँ से सीधा इधर चल जाते हैं। हाय, मैं फिट नहीं हूँ इसमें। अरे हो जाओगे, टेंशन मत लो। सो यहाँ से जो है सब आगे चले जाते हैं। अरे हो गया भैया, आ जाओ। पूरा पानी गिर रहा है यहाँ से, एकदम खतरनाक लग रहा है ये हॉन्टेड जगह। नीचे पानी भरा हुआ है, गिर जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। और एक रिस्क की पैच बैग है, अटकने के चांस। फाइनली आसान रास्ता हो गया। यहाँ पे जो है पानी गिर रहा है कंटिन्यूस। बाहर आने के बाद में थोड़ा सा आइस को अलग लग रहा है, क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा था और बाहर धूप खिला हुआ है। सो अभी यहाँ से एग्जिट गेट है, जैसे वो 100-150 स्टेयर्स थी वो डिसेंडिंग करके हम एग्जिट कर देंगे। सो ये था थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ से है। ये खाने के बाद में आप पूरा अमर हो जाओगे। चमत्कार। ये जो केव्स है हम सिर्फ वीडियो में देखेंगे। चलो लेट्स गो। कैसे लगा मौसमी केव का एक्सपीरियंस? Awesome. अभी जो है हम आए हैं मौसमी केव से बाहर, और अभी हम जा रहे हैं, भाई मैप दिखा रहे हैं, दो वाटरफॉल से वहाँ पे जाने के बाद में नाम बताएंगे। यहाँ के नाम जो है अपने मराठी नाम नहीं है, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है। सो लेट्स गो। सो गाइज, यहाँ के जो बेस्ट वाटरफॉल्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।